रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत आदिवासी बस्ती में एक युवक को अपराधियों ने पीठ पर चाकू घोंपकर सनसनी फैला दी है। सूत्रों की माने तो राह चलते वारदात के बाद पीड़ित के परिजनों ने डायल 100 सहित थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने घायल युवक को लेकर गंगेय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन पीठ की हड्डी में फंसा चाकू नहीं निकल पाया। ऐसे में तुरंत संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। गढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक आर के गायकवाड़ ने बताया कि सोमवार की रात 9 बजे राजकुमार रावत पुत्र बाबूलाल रावत निवासी आदिवासी बस्ती अपने घर के सामने बैठा, तभी एक बाइक में सवार बाबू सिंह सहित उसके दो दोस्त नशे की हालत में बस्ती से फर्राटे मारते हुए जा रहे। मानवता दिखाते हुए राजकुमार ने आराम से बाइक चलाने को कहा। इसी बात से आरोपी गढ़ खुन्नस खा गए, बाइक रोक कर अपने भाई को फोन कर दिया। पुलिस की माने तो पीड़ित राजकुमार के घर से कुछ दूरी पर आरोपियों का मोहल्ला है। ऐसे में भाई के बुलाने पर आरोपी पवन सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी गढ़ चाकू लेकर पहुंचा। उसने बिना कुछ बात सुने बाइक से उतरा और राजकुमार के पीठ पर घोंप दिया। दावा है कि चाकू तो घुसा लेकिन काफी प्रयास के बाद नहीं निकला, जिससे आरोपी डरकर भाग गए। इधर ग्रामीणों ने डायल 100 को सूचना दे दी तो थाने से पुलिस बल पहुंच गया। पीठ में घुसा चाकू के साथ घायल को लेकर पुलिस तुरंत गंगेय अस्पताल पहुंची थी, लेकिन रात में सर्जरी के चिकित्सक न होने की वजह से रीवा SGMH रेफर कर दिया है, जहां रात में करीब 12 बजे चाकू निकालते हुए पीठ की सर्जरी की गई है। चर्चा है कि युवक की हालात अब खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें बाबू सिंह और पवन सिंह नामजद हैं, 2 को अज्ञात बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। घर जा रहे थे तो गाड़ी निकली, दो चक्का लेकर निकले हैं उन लोग, उनको बोले थोड़ा आराम से चलो, तो फिर लौट कर आए हैं। लौट कर आए बाद बातचीत चालू हुई है, फिर इतने मारपीट चालू हो गई है, पीछे से ही चाकू मार दिए। कौन थे वो? गांव का ही हूँ, गढ़ का। पहचानते हो? हाँ। कहाँ की घटना है? गढ़ का। गढ़ की बाजार में? बाजार से थोड़ा बाईपास के। कितने लोग थे वो? 3-4 लोग थे। आपका नाम क्या है? राजकुमार रावत। कोई विवाद पुरानी? कुछ नहीं। लूट उठ के लिए? कुछ नहीं। ऐसे ही चाकू मार दिए? बस ऐसे ही, जो रास्ते से जा रहे थे उनको मतलब साइकिल समझा रहे थे, और बाइक से उनको मना किया कितना स्पीड मत जाओ, इस वजह से चाकू मार।